हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। ठाकरे मेरे शब्दों में ऑफकोर्स बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहा है मेरे लिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे इसी में करनी पड़ी, क्योंकि एक तो दो लैंग्वेज में फिल्म बनी, मराठी और हिंदी, और एट द सेम टाइम इतना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, उसको पोर्ट्रेट करना, जस्टिस करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, नो डाउट, क्योंकि बाड़ा साहब की शख्सियत ही ऐसी रही है। तो कोशिश की है हमने, 25th को आपके सामने आएगी फिल्म, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि भाई कितनी कोशिश हमारी कामयाब हुई, कितनी नहीं। देखिए, मैं जब भी कोई भूमिका निभाता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके साथ जस्टिस हो, और बाड़ा साहब की जो शख्सियत थी वैसी थी कि जब से उन्होंने, आई थिंक वो एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे और ब्रिलियंट कार्टूनिस्ट थे अपने वक्त के, और उस वक्त से उनकी जर्नी शुरू होती थी, और ये उस वक्त की बात है जब मिल बंद हो गई थी। जितना भी मराठी मानुस था, मराठी यूथ था, बेरोज़गार था, और उनके लिए उन्होंने बहुत काम किए, उनको जॉब दिलवाना, उनके लिए, उनके बारे में सोचना, है ना, उनको नॉलेज, उनको, उनके लिए स्कूल कॉलेजेस और ये टेक्निकल नॉलेज के लिए प्रोवोक करना, है ना, और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की महाराष्ट्र में। उन्होंने अपने स्टेट के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जो रेयर ही होते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए और अपने अपने स्टेट के लिए काम करते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें मुझे पहले मालूम नहीं थी, बट जब पता चली, तो चूँकि फिल्म की जो स्क्रिप्ट है यहीं से शुरू होती है कि वो एक कार्टूनिस्ट थे, और कार्टूनिस्ट से कैसे वो बाड़ा साहब ठाकरे बने। बाड़ा साहब की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि हिपोक्रेसी नहीं थी बाड़ा साहब के पास, जो खुली किताब की तरह थे, जो बाहर थे वही अंदर थे, फेयरलेस थे। ये चीज़ें अपने साथ से की हैं भाई, बाड़ा साहब की इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें से कुछ आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं इतना अदना सा आदमी हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि बाड़ा साहब की साहस मेरे अंदर, मैं कहता हूँ जितना साहस उनके अंदर था उतना तो नहीं है खैर मेरे अंदर, मैं तो साहस तो है ही नहीं मेरे अंदर, खैर मैं तो खैर बहुत ही नालायक किस्म का इंसान हूँ। कोशिश करते हैं अच्छा बनने की, और हर बार इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सीख के, देख के, एक्सपीरियंस करके, है ना, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, और वो सतत प्रयास रहता है उसका, और कर रहे हैं वो कि अच्छे इंसान, हम भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मंटो नहीं कर पाई, लेकिन मंटो ने जो दिया है वो शायद एक बड़ी से बड़ी हिट फिल्म भी नहीं दे सकती। एक कलाकार का यही सेटिस्फेक्शन होता है कि उसको वर्ल्ड में उसको अप्रिसिएशन मिले, और मंटो से बड़ा अप्रिसिएशन मुझे आज तक आई थिंक किसी फिल्म से नहीं मिला होगा। बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले, अप्रिशिएट की गई, और आप जो बोल रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस ही इस वक्त पे ज़रूरी नहीं, बॉक्स ऑफिस पे अगर वर्क नहीं की पिक्चर तो वैसे नहीं वर्क कर पाती, बहुत लोग देख रहे हैं उसको। तो फिल्म अब जो है ना, अब ये टाइम बदल गया, ये जो आप जो है ना बोलना बंद कर दीजिए कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली तो फिल्म पैसा नहीं कमाया, फिल्म बहुत पैसा कमाती है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। अगर वाकई अच्छी फिल्म है तो फ्लॉप कभी नहीं होती। तो जो हमारी फिल्म है ना, उसको अब तक उसने अपना बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा, भले ही आई नो कि वो बहुत टफ फिल्म थी, लोग अभी लोगों के लिए बहुत टफ फिल्म थी, हार्डकोर फिल्म थी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, इट वाज नॉट लाइक शादी ब्याह टाइप की पिक्चर नहीं थी, तो ऐसी ऑडियंस बहुत कम है, ये हमें पहले भी मालूम था, लेकिन हमें उसका दुख नहीं है, क्योंकि अभी जो फिल्म कर रही है ना डिजिटल पे, तो उससे खुशी है हमें। मुझे बहुत खुशी है कि रितेश बत्रा वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर हैं, एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमारी कंट्री का नाम रोशन करते हैं अपनी फिल्मों से, हर बार, चाहे वो लंच बॉक्स हो, चाहे फोटोग्राफ हो। आज सनडांस में उसकी स्क्रीनिंग होनी है 28 को, अब उसके बाद बर्लिन में है, एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। जब वो रिलीज़ होगी इंशाल्लाह इंडिया में, जब भी रिलीज़ होगी तो हम आप देखेंगे कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है उन्होंने। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि 25th को रिलीज़ हो रही है, और बहुत अच्छी फिल्म है, और आप आके देखिए, आप इन्जॉय करेंगे।